शिमला के घाघरा थाना क्षेत्र के नवाडीहा गांव के समीप मंगलवार की रात को 9 बजे स्कॉर्पियो की टक्कर में नवाडीहा ग्राम निवासी होटल मालिक 50 वर्षीय दिनेश राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। धक्का देने के बाद स्कॉर्पियो चालक स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने लोहरदग्गा घाघरा मुख्य पथ को जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार दिनेश राम अपने घर के बाहर सड़क के किनारे टहल रहा था, इसी दौरान तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो वाहन ने अपनी चपेट में उन्हें ले लिया। दिनेश राम स्कॉर्पियो के साथ घसीटते हुए सड़क पर कुछ दूर तक चले गए, जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम करते हुए मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। परिवार में केवल दिनेश ही काम करने वाले थे। पूरे अपना दरवाजा देगा था, गाड़ी इतना हाई में आया, इनको मारते हुए घर से वहां से उतना दूर से अति कर दिए, इसलिए हम जाम किए। 10,000 नहीं मिला, 10,000 दिए और जो फंड से मिलता है वो मिल रहा है। एक इंद्रावास मांगे हैं और सर 50 किलो चावल बोले हैं वो देंगे, और ठोकर यहाँ पर जो हम लोग का जो दिक्कत हो रहा है इसके लिए ठोकर का स्कूल है, 3-4 को बच्चा सबको एक्सीडेंट। परिवार के साथ इस बारे में संवेदना व्यक्त करना चाहिए और सरकारी प्रावधान के तहत इनको जो भी सहायता दी जा सकती है वो सारी सहायता हमारे द्वारा इनको उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे कि जिनका पेंशन है या फिर पारिवारिक लाभ हुआ या फिर और भी जो भी सहायता बन पाएगा वो सारा इनको उपलब्ध कराया।